अनूपपुर जिले के जदहरी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पुनगा के आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित दुकान समिति के लंपस प्रबंधक योगेंद्र यादेंद्र गौतम के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण सहित जैतहरी जनपद अध्यक्ष राजीव सिंह भी कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने अपर कलेक्टर सरोधन सिंह को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया लंपस प्रबंधक रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसानों से 200 से 300 रूपये की मांग कर रहा है। साथ ही धमकी भी दी जाती है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर एसडीएम कमलेश पुरी का कहना है कि सहकारिता विभाग से जांच करवाएंगे और जांच सही पाए जाने पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आज हम अनूपपुर कलेक्टर कार्यालय में खड़े हुए हैं। जन सुनवाई के दौरान यहाँ कई किसानों को देखा जा रहा है कि वे अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। धान बेचने जाते हैं तो गेट में 3000 दे लेता है, बोरी लेते हैं तो 200 रुपए ले लेता है। कौन ले रहा है आपसे ये पैसे? प्रबंधक। क्या नाम है उनका? राघवेंद्र गौतम। कहाँ पदस्थ है गौतम जी? फुनगा तथा की फुनगा में। आपसे कितने रुपए लिए? पिछले साल की बोली है, अभी तो पंजीयन में 200 रुपए लिए हैं। पंजीयन में 200 रुपए लिए हैं। आपका क्या शुभ नाम है? आपसे भी पैसे लिए गए? कितना लिए गए? 200 रुपए। आपसे भी पैसे लिए गए? कितना लिए गए? धान बेचने जाते हैं तो जब गाड़ी प्रवेश करता बिना पैसा की गाड़ी प्रवेश नहीं है। कितना पैसे लिए थे आपसे? 500। ये कहना चाहता हूँ परमिट में सादे का परमिट में दस्तखत करा लेता है और हमको कितना खाद चाहिए, कितना बीज चाहिए, कौन चाहिए कौन न चाहिए वो अपने हिसाब से फिर लिखता पड़ता है। दस्तखत पहले तो परमिट में करवा ले। कितने सालों से ऐसा कारोबार चल रहा है? ये कम से कम जब से वो पदस्थ हुआ चढ़ गया। अब अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी चाहता हूँ कि वो कर्जा हमें हमारे से चढ़े, इस तरह बेईमानी ना करे। किसान जो सामान चाहे जो बोले वो दे हमको सामान। ये जो मनमाना किसी से क्या आपने किसी से की? नहीं किया। करेंगे? करना है तभी तो आ रहा हूँ। चाहते हैं किस पर कार्रवाई? हाँ होना चाहिए कार्रवाई। अभी सहकारी समिति मझगवां लैंप फुनगा के प्रबंधक के बारे में आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें शिकायत किया गया है। हम सहकारिता विभाग से जांच करवाएंगे, अगर सही पाया जाएगा तो जल्दी कार्रवाई करेंगे।